सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख व्लॉग्स। तो गाइज अभी हम बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तभी हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि साहिब ने मुझे बताया कि आलू के पराठे बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, पराठे बनाने भाई। तो यहाँ रहा ये साहिब है, तो अभी इसने हमें बोला कि चलो बनाते हैं। तो अभी मैं जस्ट अभी देख सकते हो आप, सब कुछ सही चल रहा है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना बनाते बनाते एक व्लॉग भी हो जाए, जिससे कि मेरा दिन भी निकल जाए। और आप देख सकते हो अभी, ये देख सकते हो सब कुछ हो गया है। ये क्या है, आलू। क्या है, आलू। तो आज आप सभी को हम दिखाने वाले हैं आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम आलू छील देते हैं सारे। साहिब एक ये पकड़ लो कैमरा। हमारे जो आलू हैं वो सारे के सारे छील लिए हैं। अभी ये देख सकते हो आप आलू, ये आलू हैं। अभी इसका पेस्ट बनाना है और आटा आटा भी गूंद दिया है साहिब ने। इसका पेस्ट बना के और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे शानदार चीज़। तो ये देख रहे हो बाहर क्या पड़ रही है, बाहर क्या हो रही है। अभी तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, ये बर्फ़ पड़ रही है बाहर थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहुत अंधेरा है बाहर, जिससे कि आपको दिखनी है। आई एम श्योर, मुझे नहीं लगता है दिख रहा होगा क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो अभी हम पेस्ट बनाने वाले हैं, तो पेस्ट तो साहिब बनाएगा क्योंकि इसको ज़्यादा नॉलेज है इनका, मेरे को तो है ही नहीं। तो अभी आपको दिखाएंगे पेस्ट बना के। सो गाइज अभी आप देख सकते हो साहिब यहाँ पे क्या कर रहा है, आलू को तोड़ रहा है छोटे छोटे पीस, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके, ताकि जो जब हम क्या बोलते हैं इसको मसाला बना के पेड़े में डालेंगे, ताकि वो क्या होना हो। इधर भी देख लो, हाई कर लो कैमरा में। हाय गाइस, क्या होना होगा तू भी बता दे, मेरे को इतना नॉलेज ना है इसका। गाइस आलू के पराठे बनने जा रहे हैं, लेकिन इसने आलू सही से नहीं पकाए, बहुत मेहनत लगती है इनको तोड़ने में। मेरे अंगूठे में जगह दर्द होने लग गया है। ये देख रहे हो, मेरे पे सारा ले रहा है, खुद थोड़े बता रहा है। ये देख लो इसको, ये बेशरम इंसान। मैं बैठा हुआ था, ये मेरी करामात नहीं है, सब इसका किया कराया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आलू, अब इसमें मसाले मिक्स होंगे थोड़े बहुत, कोई खाना है कहाँ, कोई पार्टी देनी है किसी को, इसलिए सिंपल सा बना। सो गाइस जब तक साहिब मसाला रेडी करेगा तब तक के लिए बाय, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। गाइस तो मिलते हैं हम इसको तैयार करने के बाद, फिर आपको आगे की रेसिपी बताएंगे। मुझे भी उतना ज़्यादा पता नहीं है कि ये बनाते कैसे। झूठ बोल रहा है, बहुत बार बनाया इसने, बनाए हुए हैं मैंने बहुत बार, मम्मी को देखा था बनाते हुए, तो मैं कोई चीज़ बनाते हुए देख लेता हूँ तो मैं सीख जाता हूँ जल्दी, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पर भी काम करता हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज है। और मिलते हैं आपसे मसाला तैयार करने के बाद। सो गाइस अभी हमारा पोपट हो गया, वो साहिब से पूछ लो क्या हो गया, साहिब बता दो क्या हो गया। गाइस ये बंदा परांठे के लिए प्याज छिलना भूल गया, और मैंने मसाला वैसे आधा तो तैयार कर लिया है 50%, लेकिन प्याज के बगैर ये पूरा तैयार नहीं होगा, तो सारे प्याज इसी से छिलवाऊंगा आज।
खुद नहीं छीलने वाला। ओ भाई साहब, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने सारा कुछ सब कुछ रेडी कर दिया है, लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम था आलू छीलना वो हम भूल गए। आलू नहीं, प्याज छीलना तो पता भी नहीं है। हम वो भूल गए क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऐसे मैं बनाता नहीं हूँ घर में, क्योंकि मुझे जब इन मतलब इन कामों में नॉलेज नहीं है उतना। तो अभी ये हम क्या करेंगे, प्याज छीलेंगे जो कि अभी ये काम पे लगाने वाला है मुझे। सो गाइस अभी आपको मैं दिखा देता हूँ प्याज, अभी इसने लाए थे ये देख रहे हो थैली में पूरे भर के इतने सारे। आज तो ये मेरी अच्छे से समझ रहे हो, समझ गए होगे, बड़े तेज हो रहे हो हैं। यहाँ पे लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइस, हम मिलते हैं मसाला रेडी करने के लिए करने के बाद, तब तक के लिए बाय। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो पेस्ट है आलू के पराठे का वो रेडी हो चुका है। तो गाइस मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का है जो मसाला है वो भी सारा ऐड हो चुका है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं लगा हुआ है, जो भी है वो मैड भाई साहिब सब मेरा किया करा है, तो मेरा काम है क्योंकि इस बंदे को कुछ नहीं आता। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रहा पेस्ट, तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसको बनाएंगे और खाएंगे। इसको वो आता है खाना आता है लेकिन बनाना नहीं आता, बनाएगा नहीं कभी, अगली बार इसी से बनाऊंगा। कोई ना, अभी हमने देख लिया है, अभी हमने सीख लिया है जो पेस्ट है उसमें क्या क्या मसाले आते हैं, मिर्ची आती है, नमक आता है और कुछ है, दो तीन आइटम्स है वो सारा आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेस्ट है इस प्रकार का है, तो ये देख ले। तो इस बंदे की जो हालत है वो अभी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है गाइस, फिलहाल लुक्स पे मत जाना क्योंकि वो हालत खराब हो रखी है। एक तो बाहर ठंड है, ऊपर से इसके आलू के पराठे, तो बनाते हैं। सो गाइस जो आलू के पराठे हैं इसको मैंने सजेस्ट किया था सुबह मैंने इसको बोला था कि आलू के पराठे बनाएंगे, लेकिन नहीं, इस बंदे ने एक काम किया कि ये बंदा जो है ये सुबह ही रेस्टोरेंट पे चला गया, क्योंकि इसको रेस्टोरेंट पे काम होता है मेरे भाई के साथ, जहाँ पर कि ये हेल्पर का काम करता है उसमें उसके साथ हेल्प करता है काम करने में। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, रेस्टोरेंट दिखाया था, लेकिन सॉरी आपको वो मैं आइटम्स दिखा नहीं पाया क्या क्या बनाते हैं, तो उसके लिए आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप आटा भी देख लो, ये आटा है इस प्रकार का। सो गाइज अभी जो आटा है अभी हम इसको गूंदने वाले हैं, पेस्ट इसमें डालने वाले हैं, तब जाके हमारा रेडी होगा और आपको मिलते हैं अब सीधे हम पराठे बना के। तो गाइज तब तक के लिए बाय। और रेडी हो चुका है, तो अभी आप इस बंदे की खुशी देख रहे हो क्योंकि पहली बार खुद बनाया है, जो कि मैंने साल के बाद बना रहा हूँ भाई, फिर से अबे भाई सब 4 साल के बाद और देख बना क्या। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है भाई साहब, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है बट जितना अच्छा सामने लग रहा है, क्योंकि गाइस मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये रेडी होगा और कब मैं खाऊंगा, टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा अभी जस्ट भाई जल्दी कर ले। परांठा हलवाना है हलवाना है ये परांठा है, बनने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, हलवे में भी तो चुकी है मेरे हाथ के, मेरी हालत खराब हो चुकी है, हलवे बनने में तो टाइम लगता है इससे भी ज्यादा, हलवे से ज्यादा है गाइस। और हमसे हो पाया तो अगली बार हलवे पे वीडियो आएगी, हलवा बनाएंगे। ये जो बंदा है ये व्लॉग करने चाहता था, चाहता हूँ अभी भी चाहता, अभी भी चाहता है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि तू जो चैनल है अपना वो ब्लॉग पे मत खोल, किचन पे खोल,
क्योंकि ये बंदा जो है कुछ ना कुछ हर बार बताता है कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे खाने के लिए। तो अभी इस बंदे को भाई मेरे हाथ जल रहे हैं, दिखा दे, ये देखो गाइस क्या मस्त। तो ये देख सकते हो आप, साइड भी दिखा दे। ओ भाई साहब। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको जब सारा रेडी करेंगे तब, क्योंकि अभी जो ये एक पराठा है ये हमारा रेडी हो चुका है। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ, इसको मैं अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ। अभी 2 मिनट। जो ये हमारा जो पराठा है, ओ भाई साहब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गाइस, इतना अच्छा बनाया है। किसने और बनाया है? इसने, इस बंदे ने, जो कि 4 साल बाद बना रहा है, देख रहे हो 4 साल बाद। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया है पराठा। तो गाइस अभी आपको मिलते हैं बाद में, जब सारा ख़त्म करके बिल्कुल फाइनल करके आपको मिलते हैं, तब आपको बताते हैं अच्छे से किससे भी खाने वाले हैं, चाय से खाने वाले हैं, नमकीन चाय से खाएंगे भाई, नमकीन चाय से खाएंगे। सो गाइस बाद में मिलते हैं, बाद में बोल दे इधर, बाद में मिलते हैं गाइस, मिलते हैं वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली गाइस हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले ये जो है हमारे पराठे हैं। तो गाइस अभी जो साहिब है वो अभी और बना रहा है, अभी लास्ट वन बचा था जो साहिब अभी फिनिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गाइस हमें अभी खाना भी खाना है, रात के 9 बज चुके हैं। सो गाइस आई होप कि आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग तो लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ करें। सो गाइस मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हमें 1 महीने में 100 सब्सक्राइबर कवर करने हैं। और आपको आगे से व्लॉग अभी मैं देखता हूँ, दो दिन बाद आपको व्लॉग मिलते जाएंगे। सो गाइस शेयर करो यार, क्या कर रहे हो, शेयर करो जितना हो सकता है, शेयर करो।